इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने से इस वक्त की बड़ी खबर वीवीपीएटी पर सभी याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, ईवीएम से ही होना है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैलेट पेपर से नहीं होगा चुनाव। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ईवीएम से होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, बैलेट पेपर से नहीं होगा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईवीएम वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां अब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा बल्कि ईवीएम से ही होगा। साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका जो है उसे खारिज कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईवीएम वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला अब सामने आया है, जिससे जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आपको दे दें। लोकसभा चुनाव को लेकर के आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, और जहां इसको लेकर के देखिए सुबह 7 बजे से वोट भी पड़ रहे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रखा लिया था, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है अब सुना दिया है, जहां चुनाव आयोग से भी अहम सवाल किए गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपीटी पर्चियों को यहां पर मना कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रही है, जहां 8 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। अमरोहा में 9 बजे तक 14.88% मतदान हुआ है, अलीगढ़ में 9 बजे तक 12.2% मतदान हुआ है, तो मेरठ में 9 बजे तक 12.66% मतदान, गौतम बुद्ध नगर में 9 बजे तक 11.57% मतदान हुआ है, गाजियाबाद में 10.67% मतदान, तो मथुरा में 10.9% मतदान हुआ है। वहीं बुलंदशहर में 11.99% मतदान जो है वो हुआ है। तो वोटिंग प्रतिशत किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है ये हमने आपको बताया, जो आपको बता दें कि बुलंदशहर में 9 बजे तक अगर बात कर ली जाए तो 11.99% जो मतदान है वो यहाँ पर हुआ है। लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है यहाँ पर, और सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जो है चुनाव जारी है।